गाना भी देखा हमने, काफी दिल को छूने वाला गीत है ये गीत, आपके दिल के कितने करीब? ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, इसमें दो मेरे फेवरेट सिंगर हैं, एक तो पापोन है और एक आपने आतिफ असलम को देखा, दोनों मेरे फेवरेट सिंगर हैं। पापोन को मैंने अभी मैं हर फिल्म में जाता हूँ कि पापोन आए, और ये उन्होंने मेरे लिए हिंदी मीडियम में भी गाया था आतिफ असलम ने, और बहुत खूबसूरत सॉन्ग था। एक सॉन्ग मतलब गाने ऐसे हैं जो आपके साथ रहते हैं और जो मतलब आप बार 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 सुन सकते हैं। ट्रेलर का हमने देखा कि इसमें आप या एक्ट्रेस जो है वो गलत ट्रेन में चढ़ जाती है, हाँ कभी आपके साथ ऐसा हुआ है लाइफ, रियल लाइफ में कि गलत ट्रेन में आप चढ़े मतलब गलती से? मैं कई बार चढ़ा हूँ गलत ट्रेन, और मेरे साथ जो है कुछ दोस्त लोग थे वो भी चढ़ गए थे। तो अकेले अगर चढ़ो तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन साथ में अगर कंपनी है और गलत ट्रेन में अगर आप हैं तो फिर गलत ट्रेन का एहसास नहीं होता, गलत ट्रेन सही ट्रेन है। वो वहाँ बहुत मंजीवी एक्ट्रेस हैं, बहुत उनके फैन फॉलोअर्स हैं, और आके हमें मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो गया था कि यार ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम दिखेंगे भी नहीं दिखेंगे फिल्म के अंदर, बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं वो। और ये क्योंकि फिल्म जो है सिर्फ कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री के बारे में है, इसमें कोई स्टोरी की इतनी उठापटक नहीं है, इसमें कोई प्लॉट ओरिएंटेड फिल्म नहीं है, ये किरदार पे फिल्म है। जैसे कि पीकू थी, पीकू में स्टोरी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, स्टोरी क्या थी कि परिवार को दिल्ली से कलकत्ता जाना, इसमें भी जर्नी है, इसमें कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट है, इसमें उन दोनों का रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप ऑडियंस कैरेक्टर से हुक्ड हो जाती है तो फिर वो देखना चाहती है कि क्या करते हैं, तो ये उस तरह की केमिस्ट्री अगर वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस ना होती तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता। मतलब हम सब लोग कहीं ना कहीं करीब करीब सिंगल ही होते हैं, डबल होते हुए भी कई बार सिंगल होते हैं, और सिंगल होते हुए भी सिंगल होते हैं, तो करीब करीब सिंगल के मायने बहुत कुछ हो सकता है, सिंगल है और करीब करीब है और डबल होने वाले हैं तो बस करीब करीब सिंगल है, तो कई मायने हो सकते हैं, आप अपना मतलब निकालिए। लास्ट में हमने देखा है कि एक अलग कैरेक्टर, एक वेरी एंटरटेनिंग कैरेक्टर, ऐसा कोई एक कैरेक्टर जिससे एक हार्ड हिटिंग कैरेक्टर भी आप सीखने में मिल रहे हैं, ऐसे कोई प्लान्स हैं तो कम बार? हाँ बिल्कुल, मैं हर तरह की मुझे लगता है कि एक फिल्म के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और वो अगर हो गया तो मैं ज़रूर मई जून में वो फिल्म शुरू करूँगा, और उस तरह की हार्ड हिटिंग फिल्म आपने शायद मेरे से नहीं देखी होगी, मैं उनकी हदें पार करूँगा। सभी कारवां फिल्म इससे मतलब ये अभी कैमरा चल रहा है, कैमरा नहीं होता तो मैं आपको बताता कि मैं क्या मीन करता हूँ। कारवां फिल्म भी आपने फिनिश की, एग्जैक्टली वो क्या है? वो थोड़ी लाइट हार्टेड फिल्म है, जर्नी की फिल्म है, और बहुत खुश हूँ मैं कि जिस तरह की कास्टिंग उसमें हुई, मिथिला आ गई, एंड देन दुलकर आ गया, दुलकर जैसे फैंटास्टिक गाय है, बहुत चार्मिंग लड़का है, एंड अमला है उसमें, अमला को मैंने पहली बार में उनसे मिला, वो कमाला काम कर रही हैं अपनी जगह पे, और खूबसूरत फिल्म है, नई टीम है, नया यू नो तरीका है कहानी सुनाने का, बहुत मज़ेदार फिल्म।